आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आईटी पार्क स्थित उत्तराखंड राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश की जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारियों से बारिश की स्थिति, सड़कें, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित दिए हैं कि अतिवृष्टि और भूखलन से संबंधित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। अतिवृष्टि के दृष्टिगत श्रद्धालु एवं यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने की व्यवस्था के साथ ही भोजन और बच्चों को दूध की व्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित दिए हैं कि सभी जिलाधिकारियों को हर पल अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से जल भराव की स्थिति की जानकारी ली और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए। नदियों के जल स्तर बढ़ने की स्थिति में नदी किनारे और अन्य संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को भी जागरूक करने के लिए कहा। ये भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है, ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है, अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF NDRF सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहाँ भी संपर्क कट रहा है या जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता है वहाँ पर हमारे शासन के लोग पहुँच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नजर रखें और जहाँ भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद करें। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से अरुण कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।